हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी रीजनिंग के टॉप पंद्रह अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं प्रीवियस एग्जाम में यह सारे प्रश्न आपके कई बार रिपीट कर चुके हैं आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए के डबल के है उसके बाद यहाँ पे खाली है उसके बाद डबल एल फिर खाली है फिर के है फिर खाली है फिर एल है उसके बाद खाली है और डबल एल है तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा तो आप वीडियो पे बने रहिए इनका जवाब आपको मिलेगा जैसे एक अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों यहाँ पे वाट है तो वाट के स्थान पर क्या आएगा तो देखिए किस तरीके से पूछा गया है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा तो वीडियो पे बने रहिए इसका भी जवाब मिलेगा जैसे देखिए एक दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों इस तरह का एकदम चांद टाइप में बनाया हुआ है करें कि इसको आयना में देखेंगे यानी दर्पण में देखेंगे तो किस तरीके का फिगर बनेगा कुछ इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों टोटल पंद्रह प्रश्न है जो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से लिए हैं जो काफी रिपीटेड टी ने कई बार एग्जाम में रिपीट किए हैं यार सारे प्रश्न को तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों चाहे वो एसएससी बैंक रेलवे सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ एसएससी जीडी एसएससी एच एस एल सी पी ओ स्टेट एग्जाम पुलिस दरोगा ने भी अग्निवीर जी डी बैंक पी ओ कलर ग्रुप डी एन टी पी सी आर पी एफ आर्मी एस एस बी आई टी बी पी सी आर पी एफ किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया इसीलिए आप जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा देख लेने के बाद आप जरूर इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने पहला कि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है तो उसी वर्ष में उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा तो देखिए पहली तारीख को कराए कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा तो कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को तो तरीका को देखिए यानी कि अप्रैल महीना का पहला दिन तो अप्रैल महीना कितने दिन का होता है हम लोगों का तो सिंपल सा सर अप्रैल महीना जो होता है हम लोगों का तीस दिन का होता है तो ठीक है सर यहाँ पर अप्रैल लिख दिए तो अप्रैल कितने दिनों का होता है तीस दिनों का होता है तो तीस दिनों में तो कह रहा है कि पहला दिन बुधवार है यानी कि एक दिन तो वो ले ही लिया तो बचा कितना हम लोगों का उनतीस दिन अब तरीका को देखिए कितना बचा दोस्तों हम लोगों का उनतीस दिन डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा उनतीस दिन बचा क्योंकि पहला दिन वो बोल दिया है कि पहला दिन क्या है बुधवार है तो बचा उनतीस दिन ठीक है सर तो फिर कह रहा है कि मई माह की पहली तारीख तो मई माह में एक दिन लेना है यानी पहला वाला दिन तो मई में एक ले लिए सर तो उनतीस और एक कितना हो जाएगा हम लोगों का तीस हो जाएगा इसी तीस में आपको सात से भागा कर देना है जैसे सात से भागा कर देंगे तीस में तो ऐसे भागा दीजिए तीस में क्या कीजिए दोस्तों सात से भाग दे दीजिए क्योंकि सात दिनों में ही जो है ना दिन रिपीट करता है जैसे आज मान के चलिए कि कोई सा दिन है मान ली आज मंगल है तो फिर सात दिन उसमें जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो फिर वही दिन रिपीट करेगा तो इसीलिए सात से भागा देते हैं तो सात चौके कितना हो जाएगा अट्ठाइस हो जाएगा सर तो अट्ठाइस हो जाएगा तो शेष कितना बचा दो दिन तो दो दिन आप जोड़ दीजिए तो यहाँ बुधवार है तो बुधवार में दो दिन जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो सर बुधवार था तो बुधवार में अगर हम लोग दो दिन जोड़ देंगे तो बुध के बाद बृहस्पत उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्र क्योंकि बुध में ये दो जो शेष बचा यही जोड़ना है तो जैसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का शुक्रवार हो जाएगा आंसर क्या हो जाएंगे शुक्रवार हो जाएंगे या यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो एक तरीका और भी है कैसे तो तरीका को देखिए करा है कि हम लोगों का यानी कि अप्रैल का पहला दिन यानी कि एक तारीख को दोस्तों हम लोगों का एक तारीख को क्या है हम लोगों का बुधवार है तो ठीक है सर मान के चलिए कि यहाँ पे लिख दिए कि एक तारीख को बुधवार है तो जैसे एक में हम लोग क्या करेंगे सात दिन जोड़ देंगे तो एक में सात जोड़ेंगे तो आठ तारीख को भी हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों बुधवार हो जाएगा आठ में फिर सात जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा तो बुधवार पंद्रह में भी हम लोग सात जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बाईस इसमें भी बुधवार बाईस में सात जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा उनतीस तो यह भी बुधवार होगा तो उनतीस तक तो बुधवार हो गया ठीक है सर उसके बाद अब हम लोगों के जाना है क्या यहाँ तक तो बुधवार बार आ गया ठीक है सर तो उन्तीस के बाद देखिए एक जोड़ेंगे तीस और एक एक तीस तो यहाँ तक तो हम लोगों का बुधवार ही आया क्योंकि बुध बुध रिपीट करेगा सात दिन जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा मैं रिपीट करते रहेगा तो बुधवार तो कह रहा है कि उनतीस में एक जोड़ देंगे क्योंकि अप्रैल जो है तीस दिनों का होता है अप्रैल महीना कितने दिनों का होता है तीस दिनों का तो एक तेईस और पहला दिन इकतीस तो बुध में दो दिन जोड़ दीजिए बुध के बाद क्या हो जाएगा बृहस्पत और शुक्र तो दो दिन यहाँ पे जैसे ही ऐड कर देंगे दोस्तों क्योंकि हम लोगों को जाना है किसमें मई माह में तो मई माह में तो इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा शुक्रवार आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्द में आने वाले कर्म को कर्म के अनुसार लिखना है तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो कर्म में हम लोगों का कौन सा आएगा इस सब में से सबसे पहले कर्म में कौन आएगा तो देखिए आप क्या कीजिए इसको जो है बाय ऑप्शन चल दीजिए सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों बाएँ ऑप्शन देखिए हम लोगों को तीन से स्टार्ट हो रहा है एक एक से स्टार्ट हो रहा है एक चार से स्टार्ट हो रहा है एक तीन से स्टार्ट हो रहा है यानी कि दो से ऑप्शन कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो दो वाला को अभी क्या कर देंगे दोस्तों फिलहाल के लिए छोड़ देंगे यानी कि दो वाला ऑप्शन इसको क्या कर देना है? छोड़ देना है तो देखिए एक उसके बाद तीन तो हम लोगों को देखना किस कि किस किसमें किसमें है दोस्तों एक तीन और उसके बाद चार में कौन पहले आएगा तो देखिए तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि कौन सा पहले आएगा तो देखिए एक में देखना है तो टी आर और ई है एक में क्या है दोस्तों टी आर ई उसके बाद ए है उसके बाद यहाँ देखिए टी आर ए है तो यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ भी टी आर ए आ रहा है तो पहले ए आएगा सर ई हम लोगों का ई पहले नहीं आएगा तो ए आएगा ए ए के बाद देखिए तो आई है यहाँ पे देखिए आई आई आ रहा है यहाँ पे एन आ रहा है तो हम लोगों का पहले क्या आएगा आई आएगा तो ई भी पहले नहीं आएगा बल्कि हम लोगों का तीन वाला स्टार्ट होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर दो नहीं हो सकता और ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड नहीं हो सकता तो देखिए एक ऑप्शन और एक है हम लोगों का पहला और हम लोगों का तीसरा ऑप्शन तो देखिए पहला और तीसरा में कौन सही होगा तो जैसे देखिए पहला और तीसरा में अब देखिए यहाँ भी चार से स्टार्ट हो रहा है यहाँ भी चार से चार को चेक नहीं करना उसके बाद देखिए एक और दो तो एक और दो में सबसे पहले कौन आएगा तो देखिए एक और दो में जैसे चेक करेंगे तो देखिए एक में है टी आर ई उसके बाद यहाँ पे आ रहा है दोस्तों टी आर ई उसके बाद ए ए उसके बाद यहाँ आ रहा है देखिए डी और यहाँ पे क्या आ रहा है एस तो पहले डी आएगा तो हम लोगों का दो वाला आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सर ए बी सी डी में सजाने के बाद जो है क्रम में कौन सा आएगा तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम आसान है आप समझिए कि शब्दकोश में सजाना है शब्दकोश का मतलब हुआ कि डिक्शनरी में जैसे ए पहले आता है फिर बी आता है फिर सी आता है डी आता है इस तरीके से सजाना है तो आप सिंपली बाय ऑप्शन ही चलिए वहाँ से चलिएगा बहुत समय लगेगा देखिए तो यहाँ पे तीन है सर यहाँ चार है और यहाँ एक है और यहाँ पे तीन तो हम लोगों को देखिए तीन वाला ऑप्शन एक वाला ऑप्शन और चार में चेक करना यानी कि दो वाला ऑप्शन को चेक करना नहीं तो एक में जैसे करेंगे टी आर ई उसके बाद यहाँ देखिए टी आर ए है टी आर ए है तो पहले ई वाला थोड़ी आएगा सर पहले ए वाला आएगा तो ए ए में पहले आई आए आएगा आए 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 कि एन आएगा तो आई आएगा सर तो देखिए तीन नंबर पहले आएगा तो तीन नंबर ई ऑप्शन नहीं

अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए इसको इस तरीके से लिखा गया है तो कह रहा है इसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको सबसे पहले देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों इसको लिखना है तो यहाँ पे तरीका देखिए कि कैसे लिखेंगे हम लोग तो पहले भी है उसके बाद देखिए ई है उसके बाद आर है उसके बाद हम लोगों का बी है उसके बाद ए है उसके बाद क्या है दोस्तों एल तो इसको कैसे लिखा है तो देखिए यहाँ पे लिखा है के उसके बाद जेड उसके बाद लिखा है दोस्तों ए उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्यू उसके बाद डी और क्या लिखा है दोस्तों यू तो इसको किस तरीके से लिखा है तो तरीका को देखिए आप किस तरीके से लिखा है देखिए एल में क्या कर दिया है दोस्तों सिंपली एक घटा दिया है क्या क्या है एक घटा दिया है ए में देखिएगा दोस्तों जेड क्या है तो क्या क्या है एक घटा दिया है जब बी में देखिए आपका जाएगा दोस्तों ए तो बी में क्या क्या है एक घटा दिया यानी सब संख्या में एक एक आपको सिंपली क्या कर देना है घटा देना है इसमें भी एक यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे दोस्तो, उसी प्रकार देखिए ई में भी देखिए आप क्या कर दीजिए एक घटा दीजिए तो ई में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा डी उसी प्रकार से देखिए भी में भी आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों एक घटा दीजिएगा सब संख्या में देखिए इस तरीके से एक एक घटा दिया है तो ठीक है सर तो यहाँ पर आपके पास इसका पूछ रहा है तो देखिए एस में सिंपली आप क्या कर दीजिए एक घटा दीजिए तो जैसे एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा एस में एक घटाएंगे तो सर आर हो जाएगा यहाँ पे पहला आर आएगा उसके बाद देखिए यू में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों एक घटा दीजिए तो यू में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का टी तो देखिए आर और टी आएगा फिर देखिए ओ में भी आपको क्या कर देना है एक घटा देना है। तो जैसे ओ में एक घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा तो यहाँ पे एन लिख देंगे उसके बाद देखिए फिर आई में भी क्या कर देना है दोस्तों एक घटा देना है तो आई में जैसे एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा एच तो उसके बाद देखिए आई तक घटा दिए फिर देखिए आर है तो आर में भी एक आपको क्या कर देना दोस्तों घटा देना तो आर में जैसे एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा उसी प्रकार से U में भी आपको क्या कर देना दोस्तों एक घटा देना है तो U में एक जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा T हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन और भी एक जैसे है C तो C में भी एक घटा दीजिएगा दोस्तों तो C में जैसे ही एक घटा दीजिएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा B हो जाएगा तो देखिए कहाँ पर मिल रहा है आर टी एन एच क्यू टी भी तो देखिए तो तो हम लोगों का आर टी उसके बाद एन एच तो एन एच उसके बाद है हम लोगों का क्यू टी और क्या दोस्तों बी तो क्यू टी बी देखिए कहाँ पे मिल रहा है इस तरीके से जैसे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का थर्ड वाला में मिल रहा है देखिए आर टी उसके बाद एन एच उसके बाद क्यू टी तो क्यू और टी उसके बाद हम लोगों का बी तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए तो लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है तो कैसे कीजिएगा तो देखिए या तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए दोस्तों इधर से चल दीजिए या तो आप क्या कर दीजिए इधर से चल दीजिए ठीक है सर तो क्या छत्तीस और इसमें अगर कुछ करेंगे दोस्तों मान के चलिए कि इधर से वाट में आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का न हो पाएगा तो क्या यहाँ पे कोई तरीका है क्या नहीं है सर इस तरीके से तो कोई तरीका नहीं है तो देखिए तरीका किस तरीके से लिखा है यहाँ देखिए पहले वीडियो को रोक लेना और पहले अपने से बनाना है नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को प्ले करके देखना है तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों हम लोगों का सिंपली ई दोनों संख्या का गुना कर दिया है क्या कर दिया है दोस्तों गुना तो जैसे नौ अगुना आठ तो कितना हो जाएगा हम लोगों का बहत्तर हो जाएगा तो देखिए वही बहत्तर लिखा है उसी प्रकार से यहाँ ई दोनों संख्याओं को गुना करना है दोस्तों वाट जैसे ई देखिए ई दोनों संख्याओं को यहाँ पे गुना किया है बारह अगुना क्या नौ तो जैसे बारह गुना नौ करेंगे तो कितना हो जाएगा तो एक सौ आठ तो एक सौ आठ लिखा है उसी प्रकार देखिए छत्तीस लाना है तो नौ में क्या करना होगा हम लोगों के तो नौ के सामने सर हम लोगों को चार रखना होगा वाट के जगह क्या रखना होगा चार तो जैसे गुना कर दीजिएगा तो नौ गुना चार तो कितना हो जाएगा देखिए नौ गुना चार करेंगे तो क्या हो जाएगा छत्तीस तो वही छत्तीस यहाँ पे दिया गया है तो सिंपली हम लोगों का बहुत ही आसान है कि इस तरीके से क्या करना है सर गुना कर देना है जैसे गुना करेंगे नौ गुना आठ तो हम लोगों का हो जाएगा क्या बहत्तर हो जाएगा तो वही बहत्तर यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को गुना करना है बारह गुना नौ तो यहाँ पे बारह गुना नौ जैसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का एक सौ आठ हो जाएगा तो वही एक सौ आठ यहाँ पे लिखा है तो उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को गुना करना है तो जैसे नौ गुना दोस्तों यहाँ पर लिखा है वाट तो वाट की जगह क्या कर दीजिए तो नौ गुना सर चार रख देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का छत्तीस वही छत्तीस देखिए यहाँ पे तो वाट के स्थान पर क्या भरना पड़ेगा हम लोगों को चार भरना पड़ेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उम्मीद करते हैं दोस्तों दे भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का कोट दिया गया यदि ए का अर्थ जोड़ है तो इस तरह का प्रश्न आया तो आपको करना कुछ नहीं सबसे पहले लिख दीजिए कि ए का अर्थ हम लोगों का जोड़ है उसके बाद देखिए बी का अर्थ क्या है दोस्तों हम लोगों का भाग है सी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है गुना है उसके बाद डी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों घटाओ का तो ठीक है सर तो अब देखिए सिंपली समीकरण को लिखते चलिए और करते चलिए तो देखिए एक उसके बाद हम लोगों के सामने बी है तो बी का अर्थ भागा है सर तो यहाँ पे भागा रख दीजिए और उसके बाद क्या है छत्तीस तो छत्तीस रख दीजिए उसके बाद है सी तो सी का अर्थ गुना तो यहाँ पे लिख दीजिए पाँच उसके बाद है सर ए तो ए का अर्थ दिया हुआ है प्लस तो प्लस लिख दिया आठ लिख दिए और डी तो डी का अर्थ क्या दिया हुआ है माइनस तो माइनस यहाँ लिख देंगे और क्या लिख देंगे बत्तीस तो देखिए छत्तीस से दोस्तों जैसे ही एक में भागा दीजिएगा तो क्या बार में कट जाएगा तो देखिए सर छत्तीस से जैसे भागा देंगे तो ये पाँच बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा कट जाएगा तो ठीक है सर यहाँ पाँच हो जाएगा उसके बाद ये पाँच होने के बाद इधर पाँच है ठीक है सर और प्लस इधर हो जाएगा आठ इधर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस बत्तीस तो ठीक है तो देखिए है पच्चीस और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का आठ हो जाएंगे और इधर माइनस क्या हो जाएगा बत्तीस तो ठीक है सर इतना कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर कर देते हैं हम लोग सिंपली यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों तो देखिए पच्चीस और आठ जोड़िएगा तो का कितना हो जाएगा तो हम लोगों का पच्चीस आठ कितना हो जाएगा तैंतीस हो जाएगा तो ठीक है सर तैंतीस और माइनस क्या बत्तीस यहाँ के बाद आप सिंपली यहाँ पे गए हैं देख लीजिए तो तैंतीस में बत्तीस घटेगा तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो कहाँ पर देखिए एक लिखा है हम लोगों के सामने तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे कि एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा आंसर क्योंकि डी का अर्थ क्या दिया हुआ है माइनस जब सबको रख देने के बाद पूरा सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा आंसर एक हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों में कौन सा समूह आने वाले स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा तो कभी भी इस तरह के प्रश्न आए दोस्तों तो आपको करना क्या है तो देखिए सबसे पहले उसको लिख लेना है तो जैसे के है तो के लिख दिए उसके बाद के है तो के लिख दिए उसके बाद देखिए डैश है उसके बाद है दोस्तों एल एल उसके बाद डैश उसके बाद देखिए के उसके बाद डैश फिर एल है हम लोगों के सामने फिर डैश है उसके बाद एल और एल तो आपको इतना लिख लेने के बाद तो क्या खाली लिखने से होगा तो नहीं सर अब काउंट कीजिए टोटल क्या लेटर है तो देखिए जैसे अकाउंट हो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अगर बारह तो बारह है तो बारह को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं सर तो बारह को जो है ना छः गुना दो में तोड़ सकते हैं और तीन गुना चार में तोड़ सकते हैं बस देखिए हम लोगों को बारह को और किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं दोस्तों या तो छः गुना दो या तीन गुना चार में तो आप क्या कीजिए ना कि सबसे पहले बड़ा सा स्टार्ट कीजिए यानी छः छः का ग्रुप लेके देखिए छः छः में तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः तो इस जगह पे हम देख क्या कर देते हैं दोस्तों तो इस तरीके का सिंबल लगा देते हैं अगर इससे बन जाएगा तो ठीक है नहीं तो फिर लेना होगा चर्चर से चर्चर भी नहीं बना पाएगा तो फिर तीन तीन टो तो का लेना होगा ग्रुप तीन तीन भी नहीं बना पाएगा तो दो गो क्योंकि यही चार तरीका है जो एक टो फॉलो करेगा और आंसर आपको देगा ही देगा सबसे शॉर्ट तरीका यही है तो देखिए अब क्या कीजिए दोस्तों कि जैसे स्टार्ट कर दीजिए भरना तो देखिए आप यहाँ देखिएगा कि डबल के है सर तो यहाँ भी हम लोगों का डबल के आना चाहिए क्योंकि इस जगह भी क्या आना चाहिए दोस्तों डबल के आना चाहिए तो ठीक है सर इस जगह भी डबल के भर देते हैं ठीक है तो जैसे यहाँ के भर देते के के बाद देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों इस जगह पे एल है यहाँ पे देखिए एल है तो ठीक है सर यहाँ पे एल है तो यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या भरा एल और यहाँ पे देखिए आखिरी में अगर ई देखेगा तो आखिरी में क्या है दोस्तों तो तो एल तो है तो ठीक है सर तो आखिरी में एल है तो इसका अर्थ यहाँ भी क्या भराएगा एल भराएगा तो देखिए अब यहाँ भी देखिएगा दोस्तों दो गो एल के पहले तो यहाँ देखिए इस जगह दो गो एल के पहले एगो एल है तो ठीक है सर दो गो एल के पहले एगो एल है तो यहाँ भी भर दीजिए देखिए एक सीरीज बनी हम लोग डबल के और चार गो एल फिर डबल के और चार गो एल तो देखिए एक सीरीज बन गया तो आप क्या क्या भरे तो एल भरे सर फिर एल भरे उसके बाद के भरे एल तो देखिए कहाँ मिल रहा है डबल एल के एल तो देखिए डबल एल के एल ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको हमेशा इसी तरीके का लॉजिक लगाना है ताकि कभी भी गलती नहीं होगा आपसे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में तो कभी भी इस तरह का दिशा वाले सवाल आए तो आपको करना क्या है सबसे पहले <coughs> दिशा को लिख लेना तो जैसे देखिए ई साइड में हम लोगों का क्या होगा दोस्तों पूरब होगा ई साइड में पूरब ई साइड में जैसे लिखेंगे तो ई साइड में होगा सर हम लोगों का पश्चिम और ऊपर में क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है नीचे में क्या होता है हम लोगों का दक्षिण होता है तो ठीक है सर इ बात तो हम लोग लिख दिए तो बात लिख दिए तो अब तरीका देखिए तो राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व में है तो विद्यालय उसका किधर है उत्तर पूर्व में तो ठीक है सर यहाँ पे जैसे हम लोग बना लीजिए दोस्तों सिंपली उत्तर पूर्व दिशा में है तो किस दिशा में होगा विद्यालय उत्तर पूर्व यानी कि इस दिशा में होगा यहाँ पे होगा दोस्तों इधर तो इस तरीके का सर उसका विद्यालय यानी कि दिशा में जैसे करेंगे तो यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा में उसका विद्यालय इस जगह उसका क्या है दोस्तों विद्यालय तो विद्यालय को लिख दीजिए ठीक है सर इस दिशा में विद्यालय है तो उत्तर पूर्व दिशा में तो क्योंकि यहाँ पे सर हम लोगों का इधर हो जाएगा पूर्व और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का उत्तर हो जाएगा तो ठीक है सर बीच में आया तो उत्तर पूर्व दिशा में है इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या पश्चिम हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा बस इतना कर लेने के बाद तो कह है उसका विद्यालय किस दिशा में है यानी राहुल कर राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है तो उत्तर पूर्व दिशा में ठीक है सर घर से उसके उत्तर पूर्व दिशा में है तो कह रहा है उसका घर विद्यालय से किस दिशा में तो आपसे पूछ रहा है कि उसका घर मतलब जो है विद्यालय से किस दिशा में इधर ये वाला दिशा आपसे पूछ रहा है तो यही दिशा यहाँ पे उसका क्या होगा दोस्तों घर होगा तो ये कौन सा दिशा है तो दक्षिण और पश्चिम तो कहाँ पर है क्योंकि ई दिशा में क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है तो यही दिशा होगा तो ये दिशा कौन हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कई बार रिपीट किया है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व में दिशा तो में तो उत्तर पूर्व में ये देखिए राहुल का उत्तर पूर्व दिशा में विद्यालय तो कह रहा है कि उसका घर उसका घर विद्यालय से किस दिशा में तो ई साइड से उसका पूछ रहा है कि कौन दिशा में तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दो में दिया गया है देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि एक लड़का एक लड़की से कहता है कि आपके पिता की पत्नी मेरी नानी की इकलौती बेटी है तो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित तो देखिए कैसे बनेगा तो एक लड़का है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों लड़का लिख दीजिए ठीक है एक लड़का किससे कह रहा है एक लड़का और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का लड़की है तो ठीक है सर एक लड़का एक लड़की तो एक लड़का लड़की से कहती है कि आपके जो पिता है लड़की से कह रहा है दोस्तों एक लड़का जो लड़की से कह रहा है कि आपके पिता तो लड़की का ठीक है कोई पिता है तो यहाँ पे लिख दीजिए लड़की का कोई पिता पिता की पत्नी तो ठीक है सर पिता की कोई क्या हम लोगों का पत्नी है तो यहाँ पे लिख दीजिए पिता की कोई पत्नी है तो पिता की पत्नी जो है पिता की पत्नी मेरी नानी की तो देखिए इसकी क्या दोस्तों नानी की तो इसका जो नानी होगा मेरी नानी की एकलौती बेटी है तो मेरी नानी यानी कि देखिए जो पत्नी हुआ दोस्तों तो पत्नी का कोई क्या होगा यहाँ पे माँ होगा यानी कि क्या होगा दोस्तों माँ होगा इसकी जो पत्नी है इसकी माँ होगा इसी को ही क्या बोल रहे हैं नानी तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए नानी तो ठीक है सर तो देखिए ई लड़का का ई ई कौन हो जाएंगे तो ई दोनों जो हुआ दोस्तों ई पति पत्नी हो गए तो ई दोनों पति पत्नी हो तो लड़का लड़की लड़का लड़की ई नानी हो गया तो कह रहा है कि लड़का लड़की से किस प्रकार तो लड़का लड़की का क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा सिंपल सा कह है कि लड़का उस लड़की तो से तो लड़की से पूछा है आपसे कहाँ से पूछा है लड़की से बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं किससे पूछ रहा है लड़की से कैसे संबंधित है लड़की का कौन हो जाएगा भाई हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों भाई बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं बहन को कर देते हैं देख ये नहीं करते कहाँ जहाँ से से लगा रहेगा हमेशा याद रखेगा यही सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि जहाँ से से लगा रहेगा उसी से फाइंड करना कह लड़की से तो लड़की से ई कौन हो जाएगा तो लड़की लड़की की कौन हो जाएंगे तो, तो भाई हो जाएंगे क्योंकि लड़का है क्योंकि इसके पिता की पत्नी मेरी नानी है तो मेरी नानी यानी कि इसकी जो लड़का का माँ है तो लड़का का माँ का माँ होगा तो क्या हो जाएंगे नानी तो कह रहा है लड़का लड़की से कैसे संबंधित हो जाएंगे तो लड़की से तो उसी से क्या हो जाएंगे भाई हो जाएंगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है अगला प्रश्न है दोस्तों कि आयना में ये प्रश्न कई बार टी ने रिपीट किया है दोस्तों कि आयना में जब ये फिगर देखेंगे तो कैसा बनेगा तो सिंपली सर जब आयना में इस तरीके के फिगर को देखेंगे तो इस तरीके का इस जगह बनेगा और फिर ये हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों इस तरीके का यहाँ पे हो जाएंगे ठीक है सर इस तरीके का और यहाँ पे जो है और शुरू में देखिए जीरो है इस तरह का सिम्बॉल तो इस तरीके का फिगर बनेगा तो देखिए कहाँ पे बना हुआ इस तरीके का फिगर हम लोगों का इधर थोड़ा सा इस तरह का होगा दोस्तों तो ये वाला नहीं हो सकता सर ये नहीं हो सकता देखिए यही वाला होगा थर्ड वाला होगा क्या हो जाएगा दोस्तों तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आईना में जैसे ही फिगर देखेंगे तो जो सबसे शुरू में है वो फिगर पहले बनेगा जैसे जीरो यहाँ पे आगे में है तो ये जीरो सबसे पहले बनेगा उसके बाद देखिए ये है तो फिर ये बनेगा जितना दूरी में आईना में फिगर रखेगा उतने दूरी पर बनता है तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आपको वीडियो को रोक के अपने से पहले सारे प्रश्न को बनाना है, फिर वीडियो को प्ले कर करके देखना है जैसे ही वीडियो बढ़ाए तो आपको रोक लेना है पहले अपने से कीजिए कि की कौन सा होगा उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना है अगर वह आर एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध को सही निरूपण करता है तो देखिए इसका कौन सा डायग्राम होगा तो आप बना लिए होंगे कि कौन सा होगा तो अब हम बताते हैं देखिए सबसे बड़ा गोला होगा दोस्तों एक एक क्या आएंगे हम लोगों का पृथ्वी ये क्या हो जाएंगे पृथ्वी ठीक है सर पृथ्वी के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों भूपटल आ जाएंगे उसके बाद मेटल आ जाएंगे उसके बाद क्या आ जाएंगे कोर हो जाएंगे यानी कि ई भूपटल हो गया समझने का प्रयास कीजिए ई हो जाएंगे दोस्तों मेटल हो जाएंगे और ई क्या हो जाएंगे हम लोगों का कोर हो जाएंगे ये देखिए हम लोगों का भूपटल उसके बाद दोस्तों मेटल उसके बाद क्या हो जाएंगे कोर हो जाएंगे तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कभी भी इस तरह के प्रश्न आए डायग्राम वाला तो सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या हो सकता है तो सर इतना बड़ा गोला हम लोगों का हो जाएगा पृथ्वी का ये हो गया पृथ्वी का पृथ्वी पर ही तो है एक क्या है दोस्तों हम लोगों का भूपटल है क्या है हम लोगों का तो भूपटल हो जाएंगे तो ठीक है सर एक भूपटल छोटा छोटा लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे अटेगा नहीं उसके बाद हम लोगों का क्या है एक मेटल हो जाएंगे तो देखिए एक मेटल एक क्या हो जाएंगे दोस्तों कोर हो जाएंगे क्योंकि ये पृथ्वी पर लेकिन सब अलग अलग होगा कोर अलग है सर हम लोगों का मेटल भी क्या है अलग है और ई भू भूपटल भी क्या हो जाएंगे दोस्तों अलग हो जाएंगे तीनों अलग अलग बनेगा तो तीनों अलग अलग देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में है तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि सर भूपटल भूपटल देखिए पृथ्वी पर लेकिन अलग है मेटल भी पृथ्वी पर है लेकिन अलग है और कोर भी क्या हो जाएंगे दोस्तों अलग तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो इस तरह का डायग्राम जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है ऑप्शन नंबर थर्ड वाले सही होंगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कह अरे नीचे दिए गए आकृति में देखिए और अनुक्रम कागज को मोड़ कर कह रहे हैं कि छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति यानी कागज को मोड़ के कट कर दिया और फिर खोलेंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा तो देखिए जैसे इस तरीके का एक यहाँ पे बना लेंगे दोस्तों खोलेंगे तो किस तरीके का बनेगा तो देखिए एक बिंदा जैसे मोड़ के इस तरीके से किया है तो एक तो इस जगह पे इस तरीके का हो जाएगा दोस्तों जब बनेगा और एक फिर इस तरीके का बन जाएगा फिर वहां पे आगे में जब खोलिएगा तो वहां भी सर हम लोगों का इस तरीके का बन जाएगा और वहां भी क्या बन जाएगा इस तरीके का बनेगा तो देखिए यहां पांच तो दे दिया पांच वाला तो निसंदेह हो भी नहीं करेगा आपको कंफ्यूजन होगा एक और दो में तो एक और दो में जैसे होगा तो देखिए जितना दूरी पर यहां इस तरीके से खोलने के बाद बनेगा यहां भी एक खोलने के बाद बनेगा उतना ही दूरी पर यहां बनेगा दोस्तों और उतना दूरी पर यहाँ तो इस तरीके का देखिए ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है बल्कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर एक वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा काफी प्रश्न है कागज मोड़ने वाला बराबर पूछे जाते हैं, तो तो हैं देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने करा देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं देखते ही देखते पहले आप भी कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या आएगा कि कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं यानी कि आपको लिखना क्या है दोस्तों बैंक को तो कैसे कितने अक्षरों से लिख सकता है इस तरह के प्रश्न आए तो आपको क्या करना होगा क्या लॉजिक लगाना होगा तो तरीका को देखिए लेटर कितना है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे चार लेटर है तो चार जैसे लिख दिए तो इसको क्या करेंगे इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों इस तरीके से जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल क्या बोलते हैं दोस्तों फैक्टोरियल एक बिंदा जो दे देते हैं या आप ऐसे भी इस तरीके से कर दीजिएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों फैक्टोरियल हो जाएंगे तो देखिए फैक्टोरियल का मान किस तरीके से होता है तो देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे चार गुना तीन और गुना दो घटते क्रम में क्या कर देना है घटते क्रम जैसे कहेगा कि फैक्टोरियल पाँच का मान क्या होगा तो पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक करना है तो इसी प्रकार से या तो अब ऐसे लिख सकते हैं या तो आप कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कर क्या सर ये तो गुणनखंड होगा तो गुणनखंड नहीं होगा गलती हो जाएगा फिर इस तरीके से कीजिएगा तो आंसर भी नहीं आएगा तो देखिए इस तरीके से तोड़ लेने के बाद इसको गुना कर दीजिए जैसे गुना करेंगे चार तिया कितना हो जाएगा बताइए बारह गुना चौबीस एक क्या हो जाएगा दोस्तों चौबीस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौबीस हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कभी भी अब कोई भी वर्ड आएगा कोई भी शब्द आएगा कहेगा कि इसको इस अक्षर को कितने तरीके से लिख सकते हैं आप यही कीजिएगा जैसे यहाँ चार गो इल, चार गो हम लोगों का दिया था तो चार गो अगर इसमें लेटर दिया है तो चार गो को चार लिख दिया और इस तरीके से इफेक्टोरियल हुआ तो या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे इसको घटते क्रम में लिखना है चार गुना तीन गुना दो गुना एक मान के जो सर कल रहेगा आठ तो आप फिर वहीं से घटते क्रम में आना आठ गुना सात गुना छः गुना पाँच गुना चार गुना ऐसे करके एक तक आना है तो जैसे एक तक आइएगा और सबको गुना कीजिएगा जैसे चार का खेत कितना हो जाएगा चौबीस आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों किस तरीके से लिखा है तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिएगा सबसे पहले आप लिखिए कि वर्क को कैसे लिखा है तो देखिए w o r और k तो इसको कैसे लिखा है सर तो देखिए इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों w का उल्टा क्या होता है d होता है o का उल्टा क्या होता है दोस्तों l होता है r का उल्टा क्या होता है i होता है और k का उल्टा क्या होता है हम लोगों का होता है तो देखिए उल्टा का संख्या लिख दिया डी का डी का हम लोगों का क्या होता है तो डी का सर तो लिख देते हैं डी का क्या क्रम होता है तो चार होता है डी का स्थान एव सी डी में चार होता है सर एल का स्थान कितना होता है बारह होता है आई का स्थान नौ होता है और पी का स्थान कितना होता है दोस्तों सोलह सिंपल सा सर इसको उल्टा क्रम में लिखना है जैसे W W का उल्टा हम लोगों का क्या होता है D होता है उसी प्रकार से देखिए O का उल्टा क्या होता है L होता है R का उल्टा क्या होता है I होता है और K का उल्टा क्या होता है P और इसका स्थान लिख दिया जैसे A B C D D स्थान क्या वहाँ चार है एल का स्थान कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा आई का नौ और पी का सोलह तो आपसे पूछ रहा है कि तो देखिए W उसके बाद है दोस्तों O एम ए एन तो देखिए वुमेन का आपसे पूछ रहा है तो कैसे करेंगे तो तरीका देखिए W का उल्टा क्या हो जाएंगे तो W का उल्टा सर हम लोगों का D होता है O का उल्टा क्या हो जाएंगे तो L हो जाएंगे M का उल्टा क्या हो जाएंगे तो N हो जाएंगे A का उल्टा क्या हो जाएंगे दोस्तों Z हो जाएंगे और N का उल्टा क्या हो जाएंगे M हो जाएंगे इतना कर लेने के बाद अब आपको इसका कोड लिख देना है तो D का कोड होता है सर चार एल का होता है बारह एन का होता है क्या हम लोगों का चौदह जेड का होता है छब्बीस और एम का कितना होता है दोस्तों तेरह अब बीच में डैश डैश है तो यहाँ पर डैश डैश आपको इस तरीके से लगा देना है तो देखिए तो कहाँ मिल रहा है चार बारह चौदह छब्बीस तेरह तो किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों हम लोगों का चार बारह छब्बीस तेरह तो सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का तेरह यहाँ पे नहीं लिखा है तो इस जगह लिख लीजिएगा क्योंकि चार उसके बाद बारह उसके बाद चौदह और छब्बीस और तेरह तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों पहले वीडियो को रोक के अपने से कीजिए करा कि देखिए जैसे इसका कैसे लिखा है जैसे डी आर आई वी ई आर को कैसे बारह लिखा है उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का पी ई डी ई एस टी आर आई एन इसको कैसे लिखा है बीस उसी प्रकार से देखिए ए डबल सी आई डी एन टी को कैसे लिखा है सोलह तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि सी ए आर का कोड क्या होगा तो देखिए तरीका को देखिए वो कैसे लिखा है यानी कोड जो किया है तो कैसे है? और आपसे पूछ रहा है कि इसका दोस्तों कार का पूछ रहा है तो देखिए इसका कितना होगा तो देखिए इसमें कितना लेटर है पहले ये देखिए काउंट करके देखिए क्या को लेटर हो रहा है तो देखिए जैसे हम लोग ड्राइवर में देखेंगे दोस्तों तो एक दो तीन चार पाँच छः तो छः गो हम लोगों का लेटर है तो उसको क्या कर दिया है? दोस्तों गुना कर दिया यानी कि छः गुना दो कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा तो वही बारह उसने लिखा है वहाँ पे देखिए यही उसी प्रकार से इसमें देखिए इसमें आपका कितना लेटर है तो जैसे काउंट करेंगे सर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो दस को क्या कर दिया दोस्तों सिंपली दो से गुना कर दिया तो दस गुना दो करेंगे तो क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा उसी प्रकार से इसमें कितना लेटर है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो आठ गुना दो कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का सोलह हो जाएगा तो उसी प्रकार कार में देखिए क्या गो लेटर है तो एक लेटर दो लेटर तीन लेटर तो इसमें तीन आ गुना दो से सब में गुना क्या है तो तीन दोनों क्या हो जाएंगे छः तो कहाँ है सर छः तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा सही हो जाएगा सिंपल सा है ज़्यादा कोई हुआ नहीं है कि सर सिंपल सा कि आसान है कि खाली लेटर देख लेना है कि कै गो लेटर है तो इसमें देख रहे हैं छः गो लेटर है तो छः गुना दो कर दिया है तो कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा वही बारह लिखा इसमें क्या को है, तो सर, इस गो है तो सर इसमें दस गो है तो इसमें दो से गुना कर दीजिए तो दस गुना कितना हो जाएगा हम लोगों का बीस हो जाएगा इसमें क्या गो लेटर है दोस्तों तो आठ गो है तो आठ गुना दो कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा इसमें पूछ रहा है तो देखिए सी ए आर का पूछ रहा है तो कैलकुलेटर तीन है तो तीन गुना दो कर देंगे तो कितना हो जाएगा छ हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कह रहा है यदि हम लोगों का यदि कूट भाषा में देखिए तो कूट भाषा में दिया है टी ओ पी एस इसको लिखा है कैसे तो देखिए जी बी सी एप तो देखो ऐसे दिया है तो दोस्तों इसका आपसे पूछ रहा है किसका तो देखिए एस पी ओ टी इसका कोड आपसे पूछ रहा है तो कैसे कीजिएगा तो तरीका को देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है सिंपल सा तरीका देखिए टी का उल्ट टी को क्या लिखा है दोस्तों यहाँ उल्टा नहीं बहुत सारा स्टूडेंट उल्टा करेंगे तो एस का उल्टा तो जब कहेगा कि टी का उल्टा तो जी होता है सर तो एस का उल्टा क्या हो जाएंगे एच तो कहीं दिख रहा है तो कहीं नहीं दिख रहा है? तो उल्टा नहीं किया है बल्कि देखिए टी को लिखा है जी उसी प्रकार से ओ को लिखा है दोस्तों बी और उसके बाद पी को लिखा है हम लोगों का सी और एस को लिखा है एफ तो देखिए यहाँ हम लोगों को देखना एस को एस को क्या लिखा है ऐप तो एस का कोड हो जाएगा ऐप फिर देखिए पी का कोड यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों सी यहाँ देखिए जो कर रहे हैं इस तरह का बलर ऐप को लिखा है सी पी को लिखा है सी तो पी का कोड क्या हो जाएगा हम लोगों का सी हो जाएगा ओ का कोड देखिए क्या लिखा है तो बी लिखा है तो ओ का कोड क्या कर देंगे दोस्तों बी कर देंगे तो ठीक है सर इस तरीके से कर देंगे टी को क्या लिखा था टी को लिखा था जी तो देखिए इस तरीके का आएगा एफ सी एप सी बी जी तो कहाँ है सर ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाए इसमें कुछ नहीं किया डायरेक्ट इसी का कोड दे दिया है। मतलब कुछ किया नहीं जैसे देखिए जैसे हम लोगों का है दोस्तों टॉप्स तो टॉप्स का कोड लिख दिया है जी बी सी एप तो इसी को लिखा है जैसे ही देखिए एस लिख दिया उसके बाद हम लोगों का पी लिख दिया ओ और टी तो इसका कोड क्या कर दिया बस उल्टा के ऐसे लिख दिया है तो वैसे भी बन जाएगा अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो एक तरीका और भी है दोस्तों सिंपली क्या तरीका है तो देखिए आपको बताते हैं वो तरीका भी जैसे सर हम लोगों का देखिए यहाँ पे लिखा है टी ओ पी और एस तो इसको लिखा है हम लोगों को किस तरह से तो देखिए यहाँ पे लिखा है हम लोगों का जी क्या क्या लिखा है दोस्तों जी उसके बाद लिखा है बी और उसके बाद लिखा है सी और क्या लिखा है दोस्तों एफ तो क्या और भी कोई तरीका है क्या कि इसको इस तरीके से बना सकते हैं सर तो और कोई तरीका है ही नहीं जो तरीका पहले बताया दोस्तों वही तरीका है हम लोगों के सामने कि सिंपल था कि टी ओ पी एस लिखा है इसको लिखा है हम लोगों का जी उसके बाद बी और सी और एफ तो इसी का कोड पूछ रहा है कि एस पी ओ और टी तो देखिए एस का कोड यहाँ लिखा है एस का कोड क्या दिया है ऐप तो ऐप लिख दीजिए उसके बाद पी का कोड तो पी का कोड दिया है सी तो पी का कोड सी ओ ओ का लिखा है बी तो ओ का कोड क्या हो जाएगा बी और टी का उल्टा जी तो टी का उल्टा भी क्या हो जाएगा जी यानी कि यहाँ पे कर दिए इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं दोस्तों तो टोटल इस वीडियो में हम लोगों का पंद्रह प्रश्न थे जो काफ़ी रिपीटेड जो बार बार रिपीट करते हैं प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं टीसीएस ने हाल ही के एग्जाम में रिपीट किया इस तरह के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिए टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है